गुजरात असेंबली इलेक्शन 2022 के बाद हिमाचल प्रदेश में राजस्थान के नेताओं को स्टार प्रचारक के तौर पर बुलाया जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को कांग्रेस ने यहां चुनावी जिम्मा सौंपा हुआ है। पायलट ने रविवार को पालमपुर कांगड़ा जिले के सुल्ला विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश सिपाहिया के समर्थन में आमजन से अपील की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। पायलट ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने बैंक, हवाई अड्डा और बीमा कंपनी सब कुछ बेच दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब विपक्ष में चिल्लाती थी, स्वदेशी जागरण मंच कहता था कि हम देश बिकने नहीं देंगे, लेकिन अब मोदी सरकार ने होटल और सड़क चंद लोगों के हाथ में बेच दिया। भाजपा सांसद और प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी भी सिरमौर जिले के नाहन पहुंचकर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। इस कड़ी में 8 नवंबर को चुनाव प्रचार के दौरान रैली को भी संबोधित करेगी। कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया है, लेकिन गहलोत ने वहां चुनाव प्रचार नहीं किया। पालमपुर जनसभा में सचिन पायलट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जनता कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प कर चुकी है। यहाँ विकास में कांग्रेस कमी नहीं आने देगी, हम मिलाकर काम करेंगे। पायलट ने कहा कि बीजेपी के अंदर बिखराव चल रहा है। इस दौरान पायलट ने यह भी कह दिया कि मोदी सरकार ने मुनाफे वाली सरकार कंपनियों को निजी हाथों में बेच दिया, लेकिन कांग्रेस की सोच दूसरी है। हम चाहते हैं उद्योग हो, निवेश हो और सरकार पैसा खपाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।